गुड मॉर्निंग। अभी आप देख सकते हैं सुबह के 6:30 हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने उठते ही किचन में गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाने के लिए रख दिया है। यहाँ पर चाय बन रही है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एग को बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर एग बॉईल हो रहा है। चलो, अभी चाय बन के तैयार हो चुकी है, तो अभी चलते हैं बाहर। बालकनी में बैठते हैं और चाय पीते हैं और बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं का मज़ा लेते हैं और फ्रेश होते हैं अपने आप को। हनी रेडी है, स्कूल जाना है ना? यस। चलो, आज सिविल ड्रेस में है इसका। वाओ, रेड शूज। चलो, तल रही हूँ मैं ये पापड़, बाजार वाले ही हैं। और बन गई है चाय जो इन्होंने बना दी है, तो बस यही चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। हल्का फुल्का थोड़ा बिस्किट वगैरह ले लेंगे। हनी गई है स्कूल, टाइम हो गया है 10। हमारी पूजा भी हो चुकी है जो कि इन्होंने कर ली है, और यहाँ ये खा रहे हैं अपना हल्का सा। आपको और कुछ दूँ? भूख नहीं लग रही? नहीं, बहुत है इतना। बिस्किट ला दूँ? देखते हैं, अभी पहले ये खा लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स खाना है? नहीं, कॉम्प्लीट नहीं। वो थोड़ा हैवी हो जाता है ना। फिर आज लंच में बनेगा हेल्दी फूड एग करी। तो ये एग आपने छील दिए, बॉइल भी कर दिए, छील भी दिए। बस ग्रेवी बना देना। अब बस मैं कुक करूँगी उसको, ग्रेवी बनाऊँगी। चलो खाओ। क्या कर रहे हो? पानी भर रहा था फिल्टर से। तो चाय भी बना रहे हो? चाय पी रहे तो थोड़े थोड़े थोड़ा मूड कर रहा है चाय पीने का। थोड़ी ही बनाना, थोड़ी गर्मी हो रही ना, ज़्यादा नहीं, नहीं मन इसीलिए कर मैंने रहा। छोटी ही गंजी में चढ़ाया अभी। मैं कुछ और काम में लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा देंगे, आधा आधा तक पियेंगे स्मॉल कप। मैं थोड़ा उधर क्लीनिंग कर रही हूँ, फिर आती हूँ। ठीक फिर ठीक सब्जी बनानी है, आटा गूंदना है। ठीक है, तब चलो। तक चाय तैयार हो जाएगी। क्या हो रहा है? देखा आपने मेरी ड्रेस? वाह, कुर्ती कुर्ती हो गई है। कुर्ती कुर्ती हो गई है ना, ये मुझे काफ़ी गर्मी के हिसाब से समर वाले हैं, और मुझे अच्छा, काफ़ी रीजनेबल रेट में मिले। रेट मतलब उसने इतना सस्ता तो नहीं दिया होगा ना, कि उसको तो प्रॉफिट हुआ ही होगा। हाँ, ओके, प्योर कॉटन है, तो प्योर कॉटन तो है। ठीक देखिए कितनी है, सुंदर समर है के लिए ठीक है। ये। मैंने एक साथ नहीं मंगाए, एक एक करके आए, तो अच्छा, मैंने पहले कहा एक ट्राई किया फिर दूसरा मंगाया, ऐसे क्या? हाँ हेलो अभी ना। ठीक है, इतना बस सस्ता अब तो नहीं दिया ना आपने। नहीं कितना, 50 रुपये का तो नहीं भी दे रहा ना वो? नहीं नहीं 50 के नहीं, तो खादी कॉटन जो भी है, बिजनेस करेगा ना वो मतलब तो प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा। प्योर कमाएगा। कॉटन और खादी कॉटन है, बस ये है कि हमें मार्केट में खरीदने नहीं जाना पड़ा, घर में ऑटोमेटिक पहुंच जाता। और शॉप में काफी महंगा होता है ये, पता है? शॉप का भी चार्ज लगा लेता ना वो शॉप। हाँ। तो फिर मैंने कहा मंगा लेती, क्योंकि गर्मी वाले कपड़े ना मेरे पुराने हो गए थे। मंगा के रखना मत, पहन भी लेना, नहीं मैं पहनूंगी फिर ना। ऐसे अलमारी में दुबका रहेगा फिर पहना। यहाँ अभी बन रहा है लंच में एग करी, तो ये एग बॉईल हो गए, टमाटर कट हो गया, अदरक लहसुन और प्याज, और यहाँ गरम हो रहा है ऑयल। तो स्टार्ट करते हैं एग करी बनाना। दो चम्मच ये मलाई भी डाल दी घर की ताजी फ्रेश, उससे और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। एग करी यम्मी यम्मी सी तैयार हो गई है। हाँ, ये बच्चों का देखो, अभी ये फ्लावर होली चल रहा है बंद। कुछ नहीं, गाना लगा दिया और बच्चे एक दूसरे के ऊपर फूल फेंक रहे हैं। अभी स्कूल से घर पहुंच चुकी है, आते ही देखो अपना टेडी, इसका फेवरेट टेडी, और कलरफुल जो पेंसिल वगैरह है जो खाना लेके बैठ चुकी है। और आज कैसा रहा है नहीं स्कूल में होली? अच्छे खेले थे होली, फ्लावर होली खेले थे, हैं? प्ले किया आप लोगों ने, डांस भी किया था? हाँ, उनके रख दिया, अब बस चपाती बनाते हैं। 2:30 बज रहा है, हनी को नहला के फ्रेश कर दिया। हनी नहा लिया? चलो फ्रेश हो गई है,
और यहाँ लग गया है लंच चपाती एंड एग करी। चल यहाँ खूब आंधी जैसे ना हवा चल रही थी, ये देखिए ये अभी भी यहाँ पे भी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम हो। ये कितनी हवा चल रही है, ये फ्लैग देखिए कितना तेज घूम रहा है, जैसे बरसात का मौसम होता है ना। हनी उड़ गई है, सोगी उड़ गई है अपने प्यारे से टैडी को, बस लाड़ प्यार कर रही है, हाथ में किंडर है। हनी आज नहाई थी आके ना स्कूल से, उसको मैडम कहाँ है यहाँ पे मैडम, दीदी लोग प्ले कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग बेटा। आज होली का, होली भी जलाएंगे ना यहाँ पे, 8 बजे यहाँ होली भी जलाएंगे। हनी छोड़ दे भाई टैडी को, आज ये खूब सोई है, एंजॉय करिए, पानी तो पी लो थोड़ा सा, लो वाटर पी लो। बारिश जैसा मौसम होता बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, खूब हवा चल रही है। हनी यहाँ बड़े मजे से बैठी है, देखिए पेड़ कैसे हिल रहे हैं, काफी धूल धूल हो रहा है। चलो अभी हनी का मिल्क तैयार हो चुका है, चलो अभी मैंने शाम की चाय बनाने के लिए रख दिया है, तो यहाँ पर गर्मा गर्म मसालेदार चाय बन रही है। चलो अभी चाय हो गई बनके तैयार, तो अभी चाय पीते हैं, अब फ्रेश हो जाते हैं। बोलते तिल और टमाटर की चटनी बनाने का प्लान है, तो इसमें ये हम लोगों ने जो है ये कद्दू के बीज और ये जो खरबूज के बीज निकलने के बाद हमने उसको सुखाया धूप में और डब्बे में बंद कर दिया, तो इसको हम अभी इसको भूंज रहे हैं, इसको फिर हम मिक्सर में पीसेंगे। फिर ये तिल है, तिल को भी हमें थोड़ा इसको भूंज लेंगे, फिर उसके बाद जो अपने कद्दू के बीज और जो खरबूज के बीज को हमने जो तैयार किया था उसमें डाल के इसको फिर हम मिक्सी में पीस लेंगे। फिर इसको अभी हमने मिक्सी में डाल दिया है तिल और खरबूज का बीज और तरबूज का बीज, अभी हम जाके इसको पीस लेते हैं। फाइनली ये चटनी बनके तैयार हो चुकी है, तो अभी आज इसको डिनर में खाया जाएगा फिर चटनी को। देख लो बच्चे, वेरी गुड, 1 2 3 गणेश भगवान की जय, माता की जय, बजरंग बली की जय, जय वेरी गुड। चलो होली का दहन देख के आते हैं। हाँ जाओ देख के आओ, मैंने कहा देखना भी चाहिए ना क्या क्या होता है कैसे कैसे। तो होली का दहन आज तो बस ऐसे सेलिब्रेट किए थे ना। नहीं पापा, हाँ हाँ लेके जाएंगे, इसको इतनी बेचैनी हो रही कि कहीं मुझे छोड़ ना दे। जाओ आग से लेकिन दूर रहना, ठीक है, एकदम पास नहीं जाना। ये यहाँ पर हमारी सोसाइटी का जो है होली का दहन होगी। हनी हनी ये हो चुका है होली का दहन, हो चुका है हम लोगों के सोसाइटी का। ये हनी टमाटर सूप बनाने का प्लान करे, तो यहाँ हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और ये है टमाटर सूप तैयार हो रहा है, और इसमें हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और इसमें काली मिर्च डाल देंगे, तो गरम गरम सूप बन के तैयार हो गई है। तो चलो अभी हमको इनको हम सूप पिलाते हैं, थोड़ा इनको हम थोड़ा फ्रेश कर देते हैं सूप पिला के। बन रहे हैं पराठे और दिन की थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है तो हो जाएगा, और चटनी भी बनी हुई है तो मिला जुला के डिनर हो जाएगा। और यहाँ हनी की थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है और वो सूप भी पी रही है। डिनर और ये है चटनी तिल वाली टमाटर की इन्होंने बनाई है, और पम्पकिन सीड ये सब की है, और ये दिन की ही सब्जी का ग्रेवी है एग करी का। चलो देखते हैं। हनी और मेरा डिनर हो चुका है, तो अभी हमारा लास्ट रह गया
दूध पीना बाकी। तो चलो अभी मखाना वाला दूध तैयार है, तो चलते हैं अभी जाके दूध पी लेते हैं।